देख लो, ठीक है, मेथड दिखाइए सर। मेथड के लिए एक बार थोड़ा सा देखेंगे हम, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं। देखिए देखिए, तो क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं छोटा। अब देख ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए बराबर बी का 2/3। देखना बाबू, ए बटे बी बराबर 2/3, ए रेशियो बी बराबर 2:3, 2:3। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है बी सी का कितना, बी सी का कितना देखो तो कह रहा है 1/4, 1/4। बी बटे में सी बराबर कितना, तो कहोगे 1/4। तो कहेंगे बी रेशियो सी बराबर कितना, तो कहेंगे 1:4। अब हम जो बात बोल रहे हैं उस बात को समझो बाबू, उस बात को समझो। हम क्या बोल रहे हैं, हम बात बोलने जा रहे हैं जो जिस बात को समझना, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें बी का वैल्यू 3 और इसमें बी का वैल्यू 1, तो दोनों को कर देंगे बराबर। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना, तो 3 × 3 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। अब तुम्हारा आ गया 1:b/c बराबर तुम्हारा मान आ गया 2:3:12। अब जिसका जिसका मान चाहिए उसको आराम से निकालते जाओ, किसका किसका मान चाहिए, ए का चाहिए तो आपको निकाल देना होगा 510 का, 510 का ए का मान चाहिए तो 2, अब बट्टे में सबका योग 15 × 2 = 17, 17 × 51 तो 30 × 60। सबका निकालते जाना, 510 का अगला, 510 का 3/17 तो 17 × 51 3×9 और अगला भी निकाल लेना, 2 को दिख गया आंसर लगा लो, छोड़ा हटाओ अगला क्या, चलो देख लो बाबू। ये भाई मेथड हुआ, लेकिन ये लंबा चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर